नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 सीमांचल में। मैं मारूफ मिलन रहमानी। बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत टेरागाज प्रखंड पूरी तरह बाढ़ के चपेट में आ गया है। आज हम आप लोगों को अलग अलग पंचायत के अलग अलग गांव की तस्वीर दिखाएंगे जो बहुत ही भयावह रूप धारण कर लिया है। सबसे पहले चिलनिया पंचायत के सुहिया गाँव वार्ड नंबर 9 की तस्वीर देखिए जो इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर बाढ़ का पानी सभी घरों में घुस चुका है जिससे लोग घर से बेघर हो गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं होने के कारण लोग इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर झुनकी मुसहरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 एवं 10 की है। इस गांव का नाम भाग कसलता है। यहां सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। सिर्फ यहां पर लोगों के घरों में पानी ही नहीं घुसा है बल्कि यहां घर एवं आंगन होता हुआ पानी की तेज़ धारा बह रही है जिससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं। यहाँ पर भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। तीसरी तस्वीर हवाकोल पंचायत के वार्ड नंबर 3 का है। इस गांव का नाम हवाकोल ही है। यहां पर भी बाढ़ का पानी लोगों के घरों में पूरी तरह घुस चुका है जिससे लोग परेशान होकर अब ऊंची जगहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपना जान बचाने को मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोग खाने पीने को लेकर काफ़ी परेशान हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुँची है। चौथी तस्वीर धवेली पंचायत के वार्ड नंबर 11 एवं 12 की है। इस गांव का नाम दर्जन टोला है। यहाँ पर भी भयावह स्थिति है। यहाँ के लोग अब ऊंची जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बाढ़ के कहर ने लोगों को खाने पीने से मोहताज कर दिया है। इसके अलावा माली टोला मटियारी भोरा रामपुर फुलवारी फुलबरियाहाट पोखरिया लोदावारी धप्पट टोला नेमाटोली सुइया समेत दर्जनों गांव बाढ़ के चपेट में पूरी तरह आ चुका है जबकि लोग काफ़ी डरे एवं सहमे हुए हैं। यहां के प्रखंड प्रमुख एवं जिला पार्षद मानो जैसे सोई हुई है। उन्हें शायद कुछ पता ही नहीं कि लोग किस हालत में हैं और प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।